माहे रमजान और ईद को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? माहे रमजान का ये अंतिम, मतलब कल अंतिम रोज़ा है और परसों इंशाल्लाह ईद होगी। और इस ईद के शुभ अवसर पर हम सबसे पहले कटिहार वासियों के साथ साथ पूरे बिहार, पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो त्यौहार है, ये जो माह रमज़ान गुज़र रहा है, इस माह रमज़ान में हमारे तमाम रोज़ेदार भाई 30 रोज़ा रखते हैं और इसी 30 रोज़ा के रखने पे अल्लाह ताला हम लोग को गिफ्ट में ईद दिए हैं। और ईद का त्यौहार जो है ये तो एकता और भाईचारे का संदेश सदियों से देता आया है, क्योंकि जो ये रोज़ेदार जो रोज़ा रखते हैं वो त्याग और बलिदान और कुर्बानी देते हैं शरीर के अंदर की हर उस चीज़ का और हर तरह की बुराइयों का त्याग करते हैं। तो जब बुराई ख़त्म होगा तो कौन चीज़ आएगा? अच्छाई आएगी। तो अच्छाई का संदेश ये त्यौहार देता आया है और सदियों से देता आ रहा है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीक़ा से कटिहार का जो इतिहास रहा है, जो हमारा एकता और भाईचारे का जो संदेश रहा है, वो निश्चित तौर पर कटिहार इस त्यौहार के माध्यम से हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर ईद का त्यौहार मनाएंगे, सेवैया खाएंगे और खिलाएंगे। और जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हम पे कर्तव्य बनता है, जो रोज़ेदारों का कर्तव्य बनता है कि अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब है, मिस्कीन है, तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें। अगर आप नया कपड़ा पहनने के हकदार हैं तो आप उन गरीबों को भी नया कपड़ा पहनाने का काम करें और उनके घर में अच्छा खाना बने, ऐसा आपको करना होगा। तो ये ईद का त्यौहार ये संदेश देता है एकता भाईचारे का, सबको साथ लेकर चलने का। ये अपना परिचय। मेरा नाम हुआ फिरोज अहमद कुरैशी, महासचिव प्रदेश कौमी तंजीम।